आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, आवर दिस क्वेश्चन सेज, इस क्वेश्चन में हमें एक पैराग्राफ गिवन है, उस पैराग्राफ के बेसिस पर हमें थ्री क्वेश्चंस गिवन है, हमें थ्री क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो पैराग्राफ बेसिकली हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में गिवन है। तो पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, दैट इज SN2 रिएक्शन, एंड सेकेंड वन इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, दैट इज SN। डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड SN1 एंड SN2 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट एंड पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म इज फेवर्ड मोस्टली बाय प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। दिस ऑर्डर इज रिवर्स्ड इन केस ऑफ SN1। यहाँ पे बेसिकली हमारे यहाँ पे बात की गई है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है SN1, एक होता है हमारा SN2। SN2 हमारा क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। एंड इसमें क्या होता है कि एक ही बारी में हमारा एक लिविंग ग्रुप लीव भी कर रहा होता है एंड न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा होता है। उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और उस ट्रांजिशन स्टेट में, उस ट्रांजिशन स्टेट पे ही हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है इन SN2 मैकेनिज्म। वहीं SN1 जो है, SN1 टू स्टेप रिएक्शन है। यहाँ पे पहले लिविंग ग्रुप लीव करता है, फिर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, देन इंटरमीडिएट पे हमारा न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है, देन हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन SN1 के केस पे इंटरमीडिएट पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखिए एल्काइल हैलाइड का SN2 के केस में तो क्या होता है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, उससे ज्यादा 2 डिग्री, उससे ज्यादा 1 डिग्री एंड उससे ज्यादा मिथाइल ग्रुप। इसका रीजन मेनली स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक ही साथ में जैसे ये RX है, ठीक है, इस पे हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट पे हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो लीव भी कर रहा होगा एंड न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक भी कर रहा होता है। अब अगर ये एक्स ग्रुप बल्की ग्रुप होगा तो इस न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने में दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में इसके अराउंड 3 बल्की ग्रुप्स लगे होते हैं, 3 बल्की ग्रुप्स लगे होते हैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, ठीक है। तो इसीलिए इस केस में क्या हो जाता है कि न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब यहाँ से ये लिविंग ग्रुप लीव करता है एंड देन जब यहाँ पे आकर के हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच होना चाहता है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी शो करता है SN2 मैकेनिज्म। वहीं SN1 के केस में जो हमारा अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी होता है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा होता है। तो यहाँ पे जब लिविंग ग्रुप लीव करता है तो हमारा कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे बेसिकली रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, ठीक है। तो अब हमें पता है 3 डिग्री कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। तो रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर अल्काइल हैलाइड के लिए इन केस ऑफ SN1 मैकेनिज्म क्या हो जाता है, 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री का, उससे कम 1 डिग्री का। तो ये सारी चीजें हमें इस पैराग्राफ में बताई गई हैं, ठीक है। अब हमारा पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, SN1 रिएक्शन इज फास्टेस्ट इन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो मैंने अभी बताया कि SN1 रिएक्शन में हमारा रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन पे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन का ऑर्डर ये है, यानी कि 3 डिग्री कार्बोकटाइन, फिर 2 डिग्री कार्बोकटाइन, 1 डिग्री कार्बोकटाइन। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या बनाएगा हमारा, 1 डिग्री कार्बोकटाइन बनाएगा। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या बनाएगा हमारा, 2 डिग्री कार्बोकटाइन बनाएगा। वैसे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या बनाएगा, 3 डिग्री कार्बोकटाइन बनाएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्शन फास्ट किस में हो जाएगी, 3 डिग्री कार्बोकटाइन में, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, अमंग द चॉइसेस ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड द लीस्ट रिएक्टिव ब्रोमाइड इन SN2 रिएक्शन इज। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा कि हमें 3 अल्काइल ब्रोमाइड्स गिवन है, हमें बताना है लीस्ट रिएक्टिव ब्रोमाइड SN2 रिएक्शन के केस में कौन सा होगा। सबसे पहले हमें गिवन है 1 ब्रोमोपेंटेन, तो 1 ब्रोमोपेंटेन क्या है, 1 ब्रोमोपेंटेन होगा BrCH2CH2CH2CH3, ठीक है, CH2CH3, तो ये हमारा क्या हो गया 1 ब्रोमो पेंटेन। नेक्स्ट गिवन है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या हो जाएगा, CH3 CCH3 Br एंड देन CH2 CH3, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 2 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट गिवन है 1 ब्रोमो 1 पे ब्रोमो 1 पे ब्रोमो एंड 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो ब्रोमीन CH2 CH2 CH CH3 CH3 CH, तो ये क्या हो जाएगा 1 पे ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, तो ये हमें 3 कंपाउंड्स गिवन है। अब SN2 के केस में हमें पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहता है अल्काइल हैलाइड का, 3 डिग्री का सबसे कम, उससे ज्यादा 2 डिग्री का, उससे ज्यादा 1 डिग्री का। अब हमें पता है यहाँ से ब्रोमीन लीव करेगा तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो इस कार्बन का ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री कार्बन है। अब यहाँ पे सेकंड वाले केस में यहाँ से ब्रोमीन लीव करेगा तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये कार्बन कैसा है, ये 3 कार्बन से अटैच है, तो ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है। अब थर्ड वाले केस में यहाँ से ब्रोमीन लीव करेगा तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो सबसे हमसे क्या पूछा है, लीस्ट रिएक्टिव ब्रोमाइड, तो लीस्ट रिएक्टिव ब्रोमाइड कौन सा होगा, 3 डिग्री कार्बन वाला, ठीक है, तो 3 डिग्री वाला कौन सा है, ऑप्शन 2 में, हेंस ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स व्हिच विल अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। ऑप्शन में क्या गिवन है, आइडोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन एंड ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। तो SN2 और SN1 के लिए जो हैलोजन्स की लिविंग ग्रुप की ऑर्डर है, अब यहाँ पे हैलोजन कंपाउंड्स गिवन है तो हमसे पूछा SN2 रिएक्शन फास्टर कब होगा, तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, हमारा लिविंग ग्रुप पहले लीव करेगा देन ही तो हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, SN1 में भी सेम चीज हो रही होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे ये चीज की कौन रिएक्शन फास्ट शो करेगा, ये तो डिपेंड करेगा कि लिविंग ग्रुप कितना जल्दी लीव कर रहा है, तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर फॉर इन द केस ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स SN2 और SN1 दोनों रिएक्शंस के लिए क्या रहता है, Ri का सबसे ज्यादा, उससे कम RBr का, ठीक है, एंड उससे कम RCl का एंड उससे कम RF का। एंड इसका रीजन बेसिकली यही होता है क्योंकि आयोडीन का जो साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए वो बहुत इजिली लीव कर जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा सबसे ज्यादा SN2 रिएक्शन फास्ट कौन शो करेगा, आइडोब्यूटेन शो करेगा, हेंस ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।